Hello students, good morning. Yesterday I explained this topic ascending and descending order in classwork and gave this exercise class assignment 5A in homework. So now come to the home assignment 5F. So today we will solve this exercise. So let's solve this exercise. Take the first question. Arrange the following numbers in ascending order. तो ये जो numbers हैं इनको ascending order में arrange करना है. Clear? So take the a question. तो अब चलिए अब इनको जब ascending order में arrange करना है इन numbers को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा number लेंगे यहाँ पे लिखने के लिए. ठीक है, तो find out कीजिए सबसे छोटा number कौन सा है यहाँ पे. सो 132 जो है सबसे छोटा है इन सारे नंबरों में, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे. ओके, राइट द 132. ओके, अब देखेंगे 132 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 234 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 234. क्लियर? अब 234 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 360 आता है. ठीक है, 360 लिखेंगे यहाँ पे. ओके, आप 360 से बड़ा कौन सा है, 364 है. क्लियर, 364. ओके, 364 से बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये आ रहा है 421. सो इसको लास्ट में लिखेंगे. ओके, आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं. ओके, कम टू द बी. अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए 203 है सबसे छोटा. जो सबसे छोटा है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे. ओके, अब इससे बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है, 234 है. ओके, 234. ठीक, अब 234 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 401 है. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 401. ठीक, अब 401 से बड़ा कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 422. ओके, 422 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक, अब 422 से भी बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे, 504 है, जो कि इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर है और हम इसे लिखेंगे लास्ट में. क्लियर? कम तो क्वेश्चन नंबर सी. अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 131, जो कि पहले लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 131. ओके, 131 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 323, तो लिखेंगे हम 323. अब 323 से भी बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 344 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 344. अब 334 से भी बड़ा कौन सा नंबर यहाँ पे, 400. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 400. अब 400 से बड़ा कौन सा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, 648 है, जो कि हम इसे लास्ट में लिखेंगे 648. इन सारे नंबरों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 648. क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर डी. 509, 476, 642, 420. ओके, 608. तो इन सारे नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 420 है यहाँ पे. ठीक है, तो छोटा नंबर 420 है सारे नंबरों में, तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 420. ओके, 420 से बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 476. ओके, 476 लिखेंगे यहाँ पे. ठीक, अब 476 से बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 509. ठीक है, 509 लिखेंगे. ठीक, 509 से भी बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 608 है. ओके, लिखेंगे हम 608. क्लियर, 608. ओके, अब 608 से भी बड़ा नंबर कौन सा है, 642, जो कि सबसे बड़ा नंबर है इस नंबरों में. ठीक है, तो लिखेंगे हम 642.
इसको हम लास्ट में लिखेंगे. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर टू फॉर होमवर्क टुडे. क्वेश्चन नंबर टू जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा. ओके तो इसमें क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इन सारे नंबर्स को आपको किस किस फॉर्म में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. क्लियर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. क्लियर. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. यहाँ पे 224 है, 336 है, 409 है, 555 है, 755 है. तो देखिए इन सारे नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसे हमें पहले लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. देखिए तो यहाँ पे 755 जो है सबसे बड़ा नंबर है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पहले लिखेंगे. ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं. ठीक है. अब देखेंगे 755 से छोटा नंबर कौन सा है. 555 है यहाँ पे, तो हम 555 पे लिखेंगे. क्लियर. अब 555 से छोटा कौन सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 409 है. ठीक है. हम लिखेंगे 409. क्लियर. अब 409 से भी छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे, 336 है. ठीक. लिखेंगे यहाँ पे 336. ओके. 336 से भी छोटा नंबर कौन सा, 224. ये 224 सबसे छोटा नंबर है इन सारे नंबरों में, तो इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. क्लियर. डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यही तो होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. क्लियर. तो ये याद रखना. तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पे समझा दिया है, तो आप इसी तरह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व इन बुक. ओके. क्वेश्चन नंबर वन फॉर क्लास वर्क एंड क्वेश्चन नंबर टू फॉर होमवर्क. क्लियर.